और इस वक्त बड़ी खबर बांग्लादेश और भारत की सीमा से, जहां बड़ी संख्या में बांग्लादेश से भागकर भारत की सीमा पर अल्पसंख्यक पहुंचे हैं। भारत बांग्लादेश सीमा के 3 पोस्ट पर बांग्लादेशी अल्पसंख्यक नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, इनकी तादाद 500 के आसपास बताई जा रही है। जिन 3 पोस्ट पर भीड़ जमा हुई है उनमें सिलीगुड़ी, किशनगंज और मुकेश पोस्ट शामिल है। बीएसएफ इन्हें अंदर घुसने से रोक रही है। बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के कमांडर लेवल के अधिकारी इस व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। आपस में संवाद भी चल रहा है। जिनके पास वैध कानूनी दस्तावेज हैं सिर्फ उन्हें ही इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के जरिए भारतीय सीमा में दाखिल होने की अनुमति दी जा रही है, जहां से नियमित व्यापार भी शुरू हो चुका है। वहीं जलपाईगुड़ी जिले के दक्षिण बेरूबारी इलाके में कांटेदार बाड़ न होने की वजह से वहां खेतों में आ गए हैं बांग्लादेशी परिवार, खेतों में खड़े हैं। 0 पॉइंट पर इन्हें रोक कर रखा गया है। बांग्लादेश की सीमा पर इस वक्त कैसे हालात हैं, घुसपैठ रोकने को लेकर सुरक्षा बलों की तैयारी कैसी है, यह आपको सीधे ग्राउंड जीरो से ही दिखाते हैं, बांग्लादेश बॉर्डर से। देखिए न्यूज 18 की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देश में किस तरीके से तनाव जारी है, इन सब के बीच में न्यूज 18 इंडिया देश का ऐसा पहला चैनल जो आपको लेकर आया है उस नदी के किनारे, जो नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा को बांटती है, यानी कि पद्मा नदी है। और मेरी मौजूदगी देखिए उसी पद्मा नदी में है। अब मेरे नाविक हैं, उन्होंने नाव को बंद कर दिया है क्योंकि ये वो यहां से मोड़ लोगे। हाँ, ये भारत है जितने में उनकी नाव आपको दिखाई दे रही है, ये जितना एरिया आपको दिखाई दे रहा है, वो लोग दिखाई दे रहे हैं, निजाम दिखाइए जरा, ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं ना वहां जूट के ये खेती करते हुए, वहीं तक भारत की सीमा है। और वो फ्लैग दिखाइए जरा वहां से, ये जो ये हिस्सा बट गया ना, ये दो फ्लैग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बांग्लादेश की सीमा जो है शुरू हो गई। इसीलिए मेरे नाविक ने यहीं से नाव को अपनी मोड़ लिया। जरा इधर आइए भैया, थोड़ी सी आपसे बात करते हैं। तो ये पद्मा रिवर जो भारत और बांग्लादेश को बांटती है, थोड़ा सा आगे जाएगी तो ये भारत, इधर हो जाइए, गिर जाएंगे आप। और कैसे पता चलता है ये भारत और बांग्लादेश की सीमा है? सीमांत है, इधर हमारा जो झंडा है, हाँ, झंडा का ऊपर वो नीला वाला झंडा, नील वाला झंडा वाला उधर बांग्लादेश है, हाँ, और इसका हमारा इंडिया है। अभी ऐसा हुआ है उधर की तरफ पहुंच गए हो, या पता रहता है कि इधर? हाँ, पता लगता है, पता रहता हमारा जमीन का, वो इंडिया का उधर है, इंडिया का इधर है, वो साइड में पूरे बांग्लादेश है। अच्छा, यहीं तक ये आने की इनको अनुमति है। मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ। पद्मा नदी जो गंगा से ही निकली हुई एक नदी है, जब वो भारत में होती है तो हुगली होती है, और जब वो बांग्लादेश की तरफ बढ़ रही है तो इसे पद्मा नदी कहा जाता है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। नाविक हो, हम हो या आम आदमी हो, सभी की एंट्री की जा रही है, रजिस्ट्री की जा रही है। बीएसएफ लगातार निगरानी कर रही है। थोड़ा घूमिए निजाम, और अगर बीएसएफ का वो पॉइंट दिखा पाएंगे तो दिखाइए जरा, वो बीएसएफ का पॉइंट है। और वो सारी हमारी नाव है, देखिए ये सारी की सारी हमारी नाव है जिन पर आप भारत का झंडा देख पा रहे होंगे। और ये अब मैं भारत की तरफ बढ़ रही हूँ। फिर से घूमिए निजाम थोड़ा सा, मेरे पीछे वो बांग्लादेश का हिस्सा हो गया, आप देखेंगे मैं बांग्लादेश का वो हिस्सा पीछे छोड़ आई हूँ, अब ये मैं भारत की तरफ बढ़ रही हूँ। इधर बागपत पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बांग्लादेश के बहाने विपक्ष पर हमला बोला। मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में मंदिर जलाए जा रहे हैं और हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये विपक्ष वालों को नहीं दिखाई दे रहा। बांग्लादेश के हालात पर विपक्ष की आवाज नहीं निकल रही। वालों को थोड़ा दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। एक भी व्यक्ति नहीं बोला अभी तक, जितने लेकर दिल्ली से बॉम्बे तक यहाँ धरना देते थे, इतने मंदिर टूट गए, इतने हिंदू मारे गए, एक व्यक्ति नहीं बोला। क्या अत्याचार है? एक हिंदुस्तान है कि जहां पर सभी को संरक्षण देता है, यानी आज यहाँ हमारी सरकार रहती तो सभी को विकास करते, यानी प्रधानमंत्री आवास से सब लोग पाते हैं, आयुष्मान का कार्ड सब लोग पाते हैं, रोड सड़कें सभी के लिए, घर घर नल सभी के लिए। बाकी देशों में तो आप पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, जहां जहां हिंदू है बेचारा, मतलब मंदिर तोड़े, घर फूंक दे रहे हैं, लोग उखाड़ ले जा रहे हैं। और बांग्लादेश की स्थिति पर जगतगुरु रामभद्राचार्य का भी बयान सामने आया। जगतगुरु ने हालात पर चिंता जताई और सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा की मांग की है।
अपने भारतीयों की वहां रक्षा होनी चाहिए और हिंदुओं की विशेष रक्षा होनी चाहिए। ये मैंने भेज दिया, वीडियो भेज दिया पहले ही। और मैं मानता हूं कि बांग्लादेश के, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो किसी किसी की प्रेरणा से हुआ है। ये बात हमारे विदेश मंत्री ने भी कही, मैं भी यही कह रहा हूँ। पाकिस्तान ने सब करवाया, पाकिस्तान ने अमेरिका की साजिश से सब करवाया है और जो कुछ हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है।